मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी, कल्लात में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फिजा बदस्तूर मुसरे सेहत। पंजाब में धुंध का राज, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। अवामी मकबूलियत में कमी के बावजूद ट्रूडो का पार्टी क्यादत ना छोड़ने का फैसला। ट्रूडो का कहना है कि अपने लोगों की मदद के लिए खड़े हुए हैं। ट्रूडो ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि 2023 ज़ाती तौर पर उनके लिए मुश्किल साल रहा है। कनाडा के बेशतर हिस्सों में क्रिसमस मामूल से ज़्यादा गर्म और धुंध के जेरे असर रहा। ऑन्टेरियो के बास हिस्सों में फॉग एडवाइजरी जारी की गई। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 0 से ऊपर रहा। टोरंटो में बंदूक के तशद्दुद में 5 सालों में 30% कमी। पुलिस का कहना है कि बंदूक के तशद्दुद में कमी काबिल फ़ख्र है। 2019 में आतिशी असलहे के 469 वाकियात रिपोर्ट हुए थे। चीन में शदीद सर्द लहर ने बीजिंग को सर्द जहन्नम बना दिया। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रवां माह सर्दी का 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग में मुसलसल 9 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada mein saal 2023 liberal hukumat ke liye koi shandar saal nahi raha. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनका एक तरफ हटने का कोई इरादा नहीं है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में साल 2023 लिबरल हुकूमत के लिए कोई शानदार साल नहीं रहा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनका एक तरफ हटने का कोई इरादा नहीं है। हालिया पोल्स ने वोटरों की हिमायत में लिबरल्स को कंजर्वेटिव से बहुत पीछे रखा है, लेकिन ट्रूडो ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो लिबरल लीडर के तौर पर बरकरार रहने के लिए पुरअज़म है। उनका कहना था कि इन चैलेंजेस के साथ जिनका लोग अभी सामना कर रहे हैं, जिस तरह से दुनिया अब जा रही है और हर वो चीज़ जो हम कर रहे हैं, उससे बहुत मुश्किल वक्त में मुस्बत फ़र्क पैदा हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है। मैं वो शख्स नहीं होऊंगा जो मैं हूं और अभी इससे दूर रहने को तैयार हूं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत हरारती तेल को 3 साल के लिए वफाकी कार्बन टैक्स से मुस्तस्ना करार दे रही है। इस इकदाम का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो फिलहाल अपने घरों को गर्म रखने के लिए फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बिजली के हीट पंप्स जैसे माहौल दोस्त सराय पर मुंतकिल हो जाएं। गैर मुल्की मदाखलत ने साल के पहले निस्फ में सियासी मैदान पर गलबा हासिल किया, जब मुतादित मीडिया रिपोर्ट्स नामालूम सिक्योरिटी जराय और खुफिया दस्तावेजात का हवाला देते हुए चीन पर 2019 और 2021 के वफाकी इंतखाबात में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत गैर मुल्की मदाखलत को रोकने के लिए सरगर्म रही है। उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस कमेटी के कयाम की तरफ इशारा किया। अरकाने पार्लियामेंट का एक ग्रुप जिसे आला खुफिया मालूमात तक रसाई दी जाती है, लिबरल्स सितंबर में हाउस ऑफ कॉमन्स में वापस आए और फौरी तौर पर हाउसिंग पर एक नई पॉलिसी का आगाज किया, जबकि उन्होंने हाउसिंग पर मजीद काम करने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। ट्रूडो ने कहा कि रैपिड हाउसिंग इनिशिएटिव और फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट जैसे प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा कैनेडियनों को घर खरीदने में मदद करेंगे। ट्रूडो ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि 2023 ज़ाती तौर पर उनके लिए मुश्किल साल रहा है। अगस्त में उन्होंने और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगर ट्रूडो ने ऐलान किया कि उन्होंने अलहदगी का फैसला कर लिया है।
कनाडा के बेशतर हिस्सों में क्रिसमस मामूल से ज्यादा गर्म और धुंध के जेरे असर रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के बेशतर हिस्सों में क्रिसमस मामूल से ज्यादा गर्म और धुंध के जेरे असर रहा। कैनेडियन सूबा ओंटारियो से मैरी टाइम्स तक सिफर से ऊपर दर्जा हरारत के साथ कनाडा के बेशतर हिस्सों में क्रिसमस मामूल से ज्यादा गर्म रहा, जबकि मगरबी साहिल पर शदीद बारिश हुई। एनवायरमेंट कनाडा का कहना था कि अल्बर्टा में ये एक धूप वाला दिन है जिसमें दर्जा हरारत अंजुमात से ऊपर गिर रहा है, जबकि वैनकोवर के इलाके को तूफीनों के करीब हवा की वार्निंग और मुमकिन सैलाब का सामना है। एनवायरमेंट कनाडा ने पीर को ओंटारियो के बेशतर हिस्से के लिए धुंध के मशवरे जारी किए। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आम तौर पर मौसम वैसा नहीं था जो लोग क्रिसमस के आसपास देखना चाहते हैं अगर वो सफ़ेद क्रिसमस देखना चाहते हैं। मौसमियाती एजेंसी ने क्रिसमस की सुबह हद निगाह सिफर के करीब रहने की पेशगोई की है। कुछ इलाकों में दोपहर तक धुंध छाई रहेगी, जिसके बाद शाम में दोबारा घनी धुंध छाई होगी। एजेंसी ने इंतबाह किया कि हद निगाह कम होने की वजह से सफर खतरनाक हो सकता है और कहा कि ड्राइवर्स को रफ्तार कम करनी चाहिए, आगे की टेल लाइट्स को देखना चाहिए और रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। माहरीन मौसमियात के मुताबिक साल के इस वक्त के लिए धुंध गैर मामूली नहीं थी। मौसम की हल्की शुरुआत से मकामी लोगों को राइडो कैनाल के बारे में तश्वीश है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े आउटडोर आइस रिंग के तौर पर समझा जाता है। पिछले साल इस कैचवे 53 सालों में पहली बार नहीं खुला था। कुतुब शुमाली के करीब ये एक मुख्तलिफ कहानी थी। ताहम नौनावत एक्वलेट ने सोशल मीडिया पर बर्फानी तूफान की एक अपडेट पोस्ट की, जिसमें सड़क के हालात बर्फानी होने की खबर दी गई। शुमाली ओंटारियो में एनवायरमेंट कनाडा ने पीर की रात से टिम्स और थंडर बे जैसे इलाकों के लिए मुंजमद बारिश के तवील अरसे की पेशगोई की गई। तवक्को है यह मंगल को दिन के बेशतर हिस्से तक जारी रहेगा, जिसमें कुछ सतहों पर 10 मिलीमीटर से ज्यादा गिरने का इम्कान है। टोरंटो में बंदूक के तशद्दुद में 5 सालों में 30% कमी आई है। पुलिस का कहना है कि कम होने का मतलब है कम मुतासरीन और शूटिंग के जराइम के हल की शरह ज्यादा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में बंदूक के तशद्दुद में 5 सालों में 30% कमी आई है। पुलिस का कहना है कि कम होने का मतलब है कम मुतासरीन और शूटिंग के जराइम के हल की शरह ज्यादा है। टोरंटो में साल 2023 में बंदूक के तशद्दुद में कमी का रुझान जारी रहा, जो कि 5 साल पहले रिकॉर्ड की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया था। 2019 में टोरंटो पुलिस सर्विस के पब्लिक सेफ्टी डेटा पोर्टल ने 469 फायरिंग और आतिशी असलहे के अखराज को लागू किया, जिसने साल के आखिर तक 270 अफराद को हलाक या नुकसान पहुंचाया। 20 दिसंबर 2023 तक यह आदादोशुमार तकरीबन 30% कम होकर 326 रह गए, जिनमें 153 अफराद हलाक या जख्मी हुए। टोरंटो पुलिस हुकाम का कहना है कि यह कमी बहुत अहम है, क्योंकि आप कनाडा अमेरिका में दूसरे दायरा अख्तियार को देखते हैं जो उनकी फायरिंग और कत्ल में इजाफा हो रहा है। हम वहाँ थोड़ा सा बाहर है और यह काबिल फ़ख्र है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बंदूक के तशद्दुद में कमी का मतलब कम मुतासरीन है और उसने शूटिंग के मामलों के हल की आला शरह की राह हमवार की है। पुलिस ने 2019 से पहले 15% और इस साल 50% से ज्यादा को हल किया। पुलिस का कहना है कि यह खास तौर पर उन नौजवानों के लिए अहम है जो मुनज़्ज़म जराइम की तरफ मायल होने के खतरे से दोचार हैं। गैंग तशद्दुद और बंदूक के जराइम के तवील मुद्दती हल बहुत सी दूसरी चीजों में जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिहाइश और सिक्योरिटी, माली और सिक्योरिटी, माहौलियाती अवामिल हों, और उन सब के बारे में तवील बात की गई है। बीजिंग ने दिसंबर 1951 का 0 दर्जा हरारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन में 1951 में दर्जा हरारत का रिकॉर्ड रखने का आगाज हुआ था, तब से अब तक शहर में इतनी तवील सर्दी कभी नहीं देखी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रवां माह सर्दी का 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग ने दिसंबर 1951 का 0 दर्जा हरारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन में 1951 में दर्जा हरारत का रिकॉर्ड रखने का आगाज हुआ था, तब से अब तक शहर में इतनी तवील सर्दी कभी नहीं देखी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बीजिंग में मुसलसल 9 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। ये 1951 के बाद से पहला मौका है जब बीजिंग में -10 दर्जा हरारत 9 दिन तक बरकरार रहा। इसके अलावा चीन के शुमाली और शुमाल मशरकी हिस्से शदीद ठंड की लपेट में हैं, जबकि बाज इलाकों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माह चीन के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर आई। शदीद सर्दी की वजह से चीन के मरकजी सूबे हेनान में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई, जहाँ हीट फराहम करने वाले प्लांट भी बंद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 दिसंबर को दर्जा हरारत पहली बार 0 डिग्री से नीचे गिरा था। इसके बाद दर्जा हरारत 300 घंटे से ज्यादा नुक्ता अंजुमात से नीचे ही रहा। दारुल हुकूमत बीजिंग में मुसलसल 9 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। चीन के मरकजी सूबे हन्नान में कई सिस्टम्स फेल हो गए हैं। अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों को हरारती वसाइल की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं।
टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।